गुड इवनिंग एवरीवन, हाय आई एम नितिन सिंह, कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे हो गए। और कल IBPS का PO का स्कोर कार्ड आउट हुआ, आज IBPS का SO का स्कोर कार्ड है। कल मैंने अपनी वाइफ का स्कोर कार्ड भी चेक किया, मेरी वाइफ का भी IBPS PO का मेंस क्लियर हुआ था और उसका इंटरव्यू भी था 26 को पुणे के अंदर। पता है ख़राब पता है कब लगता है? जब इंसान बहुत ट्राई करता है और हर बार ऐसा होता है कि 4.5 मार्क्स से ऊपर है, कभी 6 मार्क्स से ऊपर है। इस बार तो और भी चीज़ ऐसी थी कि 3 मार्क्स से ऊपर थी। कट ऑफ 63 गया था जनरल का और उसको 66 था। वेल उसका ऑलरेडी वो स्टेट बैंक में क्लरिकल पे है, बट आप जानते हो ऑब्वियसली कि हर किसी को भूख होती है अच्छी एक पोस्ट की, तो वो काफ़ी ट्राई कर रही थी। काफ़ी आप सब लोग जानते हो कि SBI का वर्कलोड कितना होता है, उसके बाद भी वो लाइक चाहती है कि बेटरमेंट हो चीज़ों को। तो कल मुझे लगा कि इतनी मेहनत के बाद जब चीज़ें नहीं होती ना अपने अकॉर्डिंग, तो काफ़ी ख़राब लगता है। हाँ, वो कहने की बातें हैं, यू नेवर नो, क्या पता इंटरव्यूअर आपको इतने मार्क्स दे दे, बट यार जो सिचुएशन होती है वो तो जिसके ऊपर बीत रही है उसी को समझ में आ रही होगी। शायद आप जैसे बहुत लोग होंगे जो 5 मार्क ऊपर हो गए, कुछ 7 मार्क ऊपर हो गए, कुछ तो ऐसे भी हो गए जो 63 कट ऑफ है और 63.25 उनका स्कोर होगा। और कुछ लोग ऐसे भी हो गए जो 80, 85, 95 ये स्कोर भी कर रहे होंगे। हाँ, मानता हूँ कि भाई बहुत अच्छा पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, बट एक होता है ना, मुझे पता क्या लगता है कि भाई ये स्कोर कार्ड पहले ही डिक्लेयर कर देने चाहिए। इससे कैसा होता है कि इंसान इंटरव्यू के लिए जाए ही ना। बट खैर कोई बात नहीं, कॉम्पिटिशन की भावना होनी चाहिए। अभी बहुत लोग ऐसे हो गए सोच रहे हो भाई अब कुछ करना नहीं है, बट मैं आपको यही बोलूँगा भाई कि मेरी वाइफ ने भी लास्ट ईयर यही सोच रहा कि कुछ करना नहीं है, जब उसका सिर्फ 4.5 मार्क ऊपर था और उसने पूरा ट्राई किया और फिर से मेंस को क्वालिफाई किया। अब वो हो सकता है कि भाई कम मार्क्स आ गए इस बार भी, बट शी इज़ लाइक भाई मैं नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करूँगी अच्छे से, क्योंकि उसके अंदर वो भूख है। और बस मैं यही बोलूँगा कि अपने अंदर की भूख को मिटने मत दो, वो तो जॉब करती है। शायद कुछ लोग तो ऐसे भी होगी जिनका जॉब भी नहीं होगी और जो एज बार के बहुत करीब हो गए। मैं बस आपको इस एग्जांपल से ये समझाना चाहता हूँ कि उसका RRB PO भी क्लियर था, RRB क्लर्क भी था, SBI क्लर्क भी था, वो ऑलरेडी इंटरव्यू जा चुकी है, बट स्टिल उसको अपनी लाइफ में और बेटर होना है, इसलिए वो IBPS PO दे रही है। और उसमें वो मेंस गई, लगातार 2 साल तो हो गए, वो अलग बात है कि अभी रिजल्ट क्या बोलता है। तो बाकी बस ये बोलूँगा, अगर आपके अंदर जिद है, वो भूख है कि भैया निकालना है फिर से, तो मेहनत में लग जाओ और हो सके तो एनालाइज करो चीज़ों को कि कहाँ हम गलत हैं। बाकी तो आई थिंक कि आप काफ़ी मैच्योर हो गए, जब आप इंटरव्यू तक जा रहे हो तो मैच्योर तो हो गए कि कैसी चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए और किस तरीके की हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये आप ऑलरेडी बना चुके होंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। वैकेंसी बढ़े कम हो उससे मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि स्कोर कार्ड हम देख चुके हैं। बाकी मिराकल मैं देखा हूँ, लास्ट ईयर मैं एक लड़की से मिला था और 19 मार्क्स दिए थे। आई डोंट नो, इसका तो इंटरव्यू भी इतना अच्छा नहीं गया था, बट आई विश कि अच्छा ही हो। बाकी जिन लोगों का स्कोर कम है मैं उनके लिए भी सोचूंगा कि भाई आप लोग का भी कुछ अच्छा ही हो, बिकॉज कौन नहीं चाहता आज के टाइम में जिस तरीके का रिसेशन चल रहा है मार्केट में गवर्नमेंट जॉब देना। बाकी आई ऑल द बेस्ट, एंड थोड़ा इमोशनल हो गया क्योंकि यार उसकी अकेले की जर्नी नहीं है, मेरी भी उसके साथ वो जर्नी थी, थोड़ा इमोशनल हुआ। बाकी हाँ यार बोल सकते हो यार, हस्बैंड हूँ तो थोड़ा सा होना चाहिए ना। ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।